नमस्कार, वीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं ऋषा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। पीएम मोदी ने किया रक्षा मंत्रालय के नए दफ्तरों का उद्घाटन, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के आलोचकों को घेरा। एक्टर सोनू सूद की बड़ी मुश्किलें, उनके घर दूसरे दिन भी इनकम टैक्स का सर्वे जारी। रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार, सेंसेक्स 158 अंक की तेजी के साथ खुला। कोरोना के चलते बीते 24 घंटे में 30,570 नए मामले आए सामने, 431 की हुई मौतें। 23 अक्टूबर को होगी एपीएमसी के चुनाव, 24 को होंगी मतगणना। लेआउट लीज में बड़ी गड़बड़ी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश हक करेंगे जांच, एनआईटी को जोर का झटका। नीट धांधली में सिटी के कोचिंग सेंटर, सीबीआई ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। विदर्भ विकास के लिए रिसर्च करे छात्र, वीएनआईटी के दीक्षांत समारोह में डिग्रियों का वितरण। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने किया हल्ला बोल, पेट्रोल डीजल दर वृद्धि के खिलाफ निकाली साइकिल यात्रा। सीआरपीएफ साइकिल रैली को नितिन राउत ने दिखाई हरी झंडी, आजादी के अमृत महोत्सव पर निकाली गई रैली। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।